लिया नया टॉपिक लेने आया हूँ जो कि आपको बताऊंगा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है और कैसे करके फाइंड किया जाता है। चलो देखते हैं। देखो मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि 2 का स्क्वायर क्या है, तो आपका क्या करना होता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इक्वल टू 2 × 4। मीन्स ये हो गया कि आप जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो ऑप्टेन होगा आपके लिए, जो प्राप्त होगा, वही आपका उस नंबर का स्क्वायर कहलाएगा। 2 का स्क्वायर हमें पूछा गया है तो 2 की हमने मल्टीप्लाई करी है 2 से, तो इक्वल टू क्या हो गया, 4। अब बात करते हैं कि हमें 3 का स्क्वायर क्या होगा। अगर कोई आपसे पूछता है 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपके लिए 3 की मल्टीप्लाई 3 से ही करना है। इक्वल टू 3 × 3 = 3×9। इसी तरीके से आगे के नंबर है वो भी निकाल सकते हैं आप। बहुत सारे नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हो आप। जैसे कि 4 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 4 × 4 = 16। 5 का स्क्वायर की बात करें तो 5 × 5 = 25। 6 का स्क्वायर की बात करें तो 6 × 6 = 36। ऐसे बहुत सारे नंबर के हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट्स की। स्क्वायर रूट्स कैसे निकाला जाता है, मान लीजिएगा कोई भी नंबर इसमें से चूज कर लो जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। हम बेसिक से चल रहे हैं तो बेसिक से ही बात करते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना है, तो आपको ये देखना है कि ये फोर है आप ये किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है। आप देखते हैं 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9। आपसे कोई कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है, तो आपको ये चेक करना है कि 9 है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो 9 किसका स्क्वायर रूट हो गया, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। अब देखते हैं जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 की बात करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो जाएगा 4। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होता है, आप कैसे करके फाइंड आउट करेंगे। यानी कि कोई बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर देख के एग्जांपल देते हैं। ठीक, अब देखिएगा अगर हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 4 = 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 4 = 1 का निकालना है कैसे करेंगे, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा 4 × 4 = 1 के आप फैक्टर करेंगे। आप ये देखेंगे लास्ट में है 1, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमें आपको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। ये 3 से डिविजिबल चेक करने का तरीका क्या होगा, आपको डिजिट देख रहा है, आपको जो ऐड करना है, ऐड करके आता 4 + 4 + 1 = 9। तो 9 है, ये तीनों को प्लस करने पर 9 आ रहा है, तो 9 आपका ये 3 से डिविजिबल नंबर होता है। यानी कि 4 × 1 है 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 तो आप देख रहे हैं 3 × 3 = 3 × 4 = 3 × 7 = 21। 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 7। अब देखना है यहाँ पे 4 × 4 = 1 के फैक्टर हो गए यहाँ पर 3 × 3 × 7 × 7। अब आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 4 = 1 निकालना है, तो आपको यहाँ पे पेयर करने होंगे। पेयर कर लेंगे तो इस पेयर से आपके लिए 3 मिलेगा, इस पेयर से आपको 7 मिलेगा, 3 × 7 = 21। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। और आपको समझ में आ गया होगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्या स्क्वायर होता है, कैसे स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर का मतलब वो होता है जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर रूट निकालने का ये तरीका हो गया।